Hello students, today we will start chapter number 26, the Union Executive. It means Sanghiya Karyapalika. It is second organ of government. ये जो भारत सरकार होती है उसका दूसरा अंग होती है. जो इंडियन गवर्नमेंट होती है उसके थ्री ऑर्गन होते हैं. फर्स्ट इज लेजिस्लेटर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज ज्यूडिशरी. लेजिस्लेटर होता है जो नियम लॉ एंड ऑर्डर है उनको बनाता है, मेक लॉ एंड ऑर्डर. और जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, उनको इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है. और जुडिशरी सिस्टम जो है वो इनको देखता है कि सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कौन इसको फॉलो नहीं कर रहा, वो सब हमारे जुडिशरी सिस्टम में वर्क होता है. अब क्वेश्चन उठता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका होती है, जो संघीय कार्यपालिका, मतलब सभी किसी भी देश को चलाने के लिए यूनियन एग्जीक्यूटिव का होना जरूरी है. सब मिलकर जो एग्जीक्यूटिव में जो जो मेंबर होते हैं वो सभी मिलकर देश में काम करते हैं. किसका क्या काम है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसका एज क्राइटेरिया है, किस तरह से, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे मैंने अभी बताया, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार होती है उसके तीन ऑर्गन होते हैं. फर्स्ट लेजिस्लेटर, सेकंड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेटर को विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका बोलते हैं, और जो जुडिशरी है इसको न्यायपालिका. किसी भी कहने का मतलब है, किसी भी देश को चलाने के लिए इन तीनों, जो तीन ऑर्गन्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट इंडिया के, तीन अंग इनका होना बहुत जरूरी है. इनके बिना किसी सरकार का काम नहीं कर सकती. विधायिका में हमारा पार्लियामेंट आ जाते हैं, इसमें दोनों हाउसेज आ जाते हैं पार्लियामेंट के. उसके बाद ये क्या करती है, जो कानून वगैरह होते हैं, जो लॉ होते हैं उनको बनाती है, मेक द लॉ एंड ऑर्डर. और ये जो कानून बने हैं जो लेजिस्लेटर द्वारा, उनको इम्प्लीमेंट करती है. और जुडिशरी सिस्टम इन पे वर्क करता है कि कोई अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. जुडिशरी सिस्टम में हमारे कोर्ट आ जाते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट लेवल के कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट, वो सब जुडिशरी सिस्टम में आ जाते हैं, हमारी न्यायपालिका में आ जाते हैं. अब माइंड में क्वेश्चन वही उठता है, हु आर एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका होती है उसमें को कौन कौन काम करता है, उसमें कौन क्या होती है. तो सबसे पहले तो इसमें प्रेसिडेंट आएगा, इसको राष्ट्रपति बोलते हैं. फिर वाइस प्रेसिडेंट आएगा, इसको उपराष्ट्रपति बोलते हैं. फिर है हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री. फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे मंत्री परिषद होते हैं वो आ जाते हैं. इस चैप्टर में ये चारों ही टॉपिक पढ़ेंगे हम. चैप्टर का नाम बताया मैंने, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो संघीय कार्यपालिका होती है, ये नाम है चैप्टर का, द यूनियन एग्जीक्यूटिव. इसमें चार टॉपिक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद. ये सारे मिलके कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है हमारी, उसमें काम करते हैं. किसका क्या काम है, क्या किनकी पावर है, क्या ड्यूटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या टर्म ऑफ ऑफिस है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब टॉपिक है फर्स्ट प्रेसिडेंट. हु इज प्रेसिडेंट, ही इज फर्स्ट इंडियन सिटीजन. ये भारत का पहला नागरिक होता है, इसके पास पावर होती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है सबसे ज्यादा. ये कहने के लिए, कहने का मतलब है, ये भारत का पहला नागरिक होता है, इसके पास पावर होती है. जो भी जो कोर्ट है हमारे, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर को इन तक भेजता है. सारे जो जुडिशरी सिस्टम में, जो लेजिस्लेटर सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव, इनका सबका कहने का ये हेड होता है. जो हमारी तीनों सेना है, जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनका भी जो कमांडर है वो प्रेजिडेंट होता है. और जो उसमें जो ये हमारी जो तीनों सेना है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति, उनको भी अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट ही करता है, भारत का राष्ट्रपति. अब आता है, जो प्रेसिडेंट होता है उसको बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है. उसको कैसे इलेक्टेड करते हैं, इलेक्शन कैसे करते हैं उसका, या टर्म ऑफ ऑफिस, उसकी क्या टर्म ऑफ ऑफिस है, काम करने का मतलब किस तरीके से, कार्यकाल जो होता है किस तरह का होता है, वो पढ़ते हैं. सबसे पहले तो आता है क्वालिफिकेशन. जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे नहीं है कोई आम आदमी उठ के आ गया और वो भी प्रेसिडेंट बन जाएगा राष्ट्रपति. नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. राष्ट्रपति कौन बनता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है,
वो सबसे पहले तो यही होती है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद एज क्राइटेरिया, या तो वो 35 साल का हो या उससे ज्यादा का हो, उसके बाद जो लोकसभा होती है उसके मेंबर बनने की एबिलिटी रखता हो, उस जो लोकसभा है हमारी उसका मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है एक और इसमें आ जाता है, प्रॉफिट के पद पर ना हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कहीं पे भी वो सरकार नौकरी के पद पर ना हो, कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम ना करता हो। अगर ये चारों चीज है किसी आम आदमी में तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 या 35 से और वो होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, उसके बाद आता है वो किसी प्रॉफिट के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं काम ना करता हो। अगर ये सारी चीजें फॉलो करता है तो भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य है। उसके बाद आता है इलेक्शन, ये कैसे इलेक्टेड होता है? देखो इसमें मैंने स्पेशल वर्ड लिखा है, जो इलेक्टोरल कॉलेज, ये कॉलेज वो वाला कॉलेज नहीं है जिसमें पढ़ते हैं, ये स्पेशल से जो निर्वाचित मतदान होते हैं ना, जिसके द्वारा ये इलेक्टेड होते हैं, इसमें जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं और इसमें हमारे जो एमएलए है वो मेंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं, उन सबके द्वारा ये इलेक्टेड होता है। अब उसके बाद आता है टर्म ऑफ ऑफिस, इसकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है, कार्य करने का जो तरीका है वो किस तरह से है, क्या है, तो कहें इसमें ये 5 ईयर के लिए बनता है। एक बार जब इलेक्शन होते हैं उसमें कार्यकाल इसका 5 साल होता है, एक बार 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर ऐसा नहीं है, जो आदमी एक बार प्रेसिडेंट है वो दोबारा नहीं हो सकता, उसको दोबारा री इलेक्टेड नहीं कर सकते, उसको दोबारा भी वो री इलेक्टेड भी हो सकता है, एक बार जो इलेक्टेड हो चुका, ऐसा नहीं है दोबारा फिर चुनाव हुए तो फिर अगर वही इलेक्टेड हो जाता है तो नहीं हो सकता, अगर वो पहले हो चुका तो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका टाइम पीरियड 5 ईयर के लिए होता है, उसी को दोबारा री इलेक्टेड भी किया जा सकता है अगर वो इलेक्टेड होता है तो। उसके बाद क्या आती है, जैसे हमारे जो पहले नंबर के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लगातार 2 बार बने हैं और सबसे लंबा टाइम पीरियड उन्हीं का रहा है। अब प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट की बात होती है, कौन है, रामनाथ कोविंद जी, जो 2017 से अब तक करंट में अब तक है, रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद जो टर्म ऑफ ऑफिस में ये बात हो गई, उसका जो कार्यकाल टाइम पीरियड 5 ईयर के लिए होगा, उसको दोबारा रिइलेक्टेड किया जा सकता है। फिर एक इम्पोर्टेंट टर्म इसमें आता है, अगर कार्यकाल में उसके काम वर्क करते करते अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण, या वो रिजाइन देना चाहता है, रिजाइनेशन लेटर देता है, या उसके बाद जो लोकसभा के और राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ काउंसिल होते हैं, जो हमारा मंत्री परिषद है या प्राइम मिनिस्टर है, एक अलग से प्रोसेस होती है, इम्पीचमेंट वर्ड बोलते हैं इसको, इम्पीचमेंट वर्ड, महाभियोग, जो एक स्पेशल से प्रोसेस होती है। अगर पीएम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और जो मेंबर ऑफ काउंसिल है जो मंत्री परिषद है, अगर उसको उसका प्रोसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, संवैधानिक तरीके से, तो वो इम्पीच के अकॉर्डिंग उसको उसके पद से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। स्पेशल वर्ड यूज होता है इम्पीचमेंट, महाभियोग लगता है वो तब लगाते हैं पीएम और मंत्री परिषद मिलके, संवैधानिक तरीके से अगर प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहा है तो। उसके बाद उसकी डेथ हो या फिर मैंने कहा कि वो रिजाइनेशन लेटर देना चाहे, तो वो ये सारी प्रोसेस इसमें आ जाती है टर्म ऑफ ऑफिस में। उसके बाद अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी जगह उसके जो नीचे काम करता है वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति होता है डेथ होने पे या उस पोस्ट पे, वो जो प्रेसिडेंट होता है उसकी एब्सेंस में काम कर सकता है। अब मैंने बताया जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, देश का पहला नागरिक होता है, इसके पास बहुत सारी अथॉरिटी होती है, पावर होती है, लेकिन
ये सिर्फ नाम मात्र का ही हेड होता है। ये पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना, एडवाइस के बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कोई भी रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता मंत्रिपरिषद की और प्राइम मिनिस्टर की सलाह के बिना। अब आती है इसकी पावर की बात। सबसे पहले तो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है इसके पास। एग्जीक्यूटिव पावर कोई भी बड़ी संस्था हो, जैसे यूपीएससी है या जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनका अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया। उसके जो ऑफिसर की को अपॉइंटमेंट करता है ना, जो उसके में उसको भी ये इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है। उसके बाद ये कहने का मतलब है ये सबसे एग्जीक्यूटिव पावर रखता है, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो ऑफिसर होते हैं उनको अपॉइंट करता है। जो ये लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, विधायिका शक्ति भी इसके पास होती है। ये जो भी काम करने हैं कैसे करने हैं वो सब इसमें आते हैं, इसमें हमारी पार्लियामेंट आ जाती है लेजिस्लेटिव में। उसके बाद फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति होती है इसके पास। जो पार्लियामेंट में बजट रिव्यू होता है ना, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो प्रेसिडेंट की अब्सेंस में नहीं शो हो सकता, नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता, प्रेसिडेंट का होना जरूरी है। उसके बाद अब फाइनेंस मिनिस्टर की बात आएगी तो पता होना चाहिए निर्मला सीतारमण में। तो इसमें कहने का मतलब है जो ये हमारी जो ये चैप्टर है इसमें हमें प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, पीएम के बारे में, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, ये सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन है क्या इनका कार्यकाल है सब तरह के। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इसके पास संवैधानिक शक्तियां भी होती है जिसको इमरजेंसी पावर भी बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो जिनको हमारे जो आर्टिकल है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल है उनमें अलग से प्रावधान मिला हुआ है इन शक्तियों के लिए। जैसे इमरजेंसी, नाम से ही पता चल रहा है इमरजेंसी, आपातकालीन शक्तियां। एक तो जो संवैधानिक तरीके से होती है, तो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है या संवैधानिक आपातकाल लगाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इन तीनों के लिए आर्टिकल है। जो नेशनल इमरजेंसी होगी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी वो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगेगी वो 356 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अलग से प्रावधान है। अब क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, राष्ट्रीय आपातकाल और नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है और इसकी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, ये देश में इस चीज को लागू कर सकता है पीएम की के कहने पर, अपने आप से नहीं, अगर पीएम की एडवाइस पे, पीएम की सलाह पे ही आपातकाल लगा सकता है देश में। नेशनल इमरजेंसी जैसे युद्ध हो गया, जरूरत पड़ी युद्ध के टाइम आपातकाल लगाने की इमरजेंसी संवैधानिक रूप से, तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग ये प्रेसिडेंट आपातकाल लगा सकता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल में आता है, जो कोई नियम कानून को तोड़ता है, ब्रोकन डाउन करता है, संवैधानिक रूल को फॉलो नहीं करता, तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग ये इमरजेंसी लग सकती है। उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय जो आपातकाल लगता है जो वो क्यों लगेगा, वो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगेगा जब वित्तीय से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, अगर एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा ही ज्यादा है, रिवेन्यू है ही नहीं, तो उसमें इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखने के लिए ये आपातकाल लगा सकता है। कैसे करेगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब होगी? जब जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनकी सैलरी को कम करके, कहने का मतलब है ये आपातकाल लगा के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कर सकता है। अब इसमें सेकंड टॉपिक है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। अब प्रेजेंट में मैंने बताया प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद, जो हमारे 14वें नंबर के प्रेसिडेंट है। उसके बाद है अब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति,
राष्ट्रपति। क्या होता है उपराष्ट्रपति? सेम प्रोसेस होती है इसकी, सेम क्वालिफिकेशन होती है, जैसे जो राष्ट्रपति की होती है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की होती है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 35 साल की होनी चाहिए, उससे ज्यादा की होनी चाहिए। बस इसमें जो इलेक्टेड होता है, इलेक्शन की प्रोसेस होती है, जो प्रेसिडेंट है उसको तो जो पार्लियामेंट और एमएलए के मेंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर ही इसको इलेक्ट करते हैं, ये इसमें एमएलए नहीं होते इंक्लूड। एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो मेंबर इसमें नहीं आते। ये डायरेक्टली जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसकी जो, ये तो क्वालिफिकेशन सेम जो प्रेसिडेंट की होती है वही इसकी वाइस प्रेसिडेंट की होती है। अब जो मेन काम है इसका, इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका मेन काम क्या होगा, मैंने बताया जो प्रेसिडेंट की अब्सेंस में काम करेगा ये। अब प्रेजेंट में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो एम वेंकैया नायडू है, अब प्रेजेंट में जो वाइस प्रेजिडेंट है। अब मेन काम तो इसका यही है जब प्रेसिडेंट की अब्सेंस में काम करेगा, जैसे मैंने बताया अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है कार्यकाल में ही, बीच में ही, या वो रिजाइनेशन लेटर देता है, अपना त्याग पत्र देता है, या इम्पीचमेंट लगता है उस पर, ये प्रोसेस जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जो मेंबर ऑफ काउंसिल होते हैं, इनमें हमारे पीएम और लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर आते हैं, वो क्या करेंगे इसको इम्पीचमेंट, एक अलग से प्रोसेस होती है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से उसको अपने इसके पद से हटा सकते हैं। जब ये इसके पद से हटाएंगे तो उसकी अब्सेंस में जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना वो काम करेगा राष्ट्रपति का। एक बार हुआ भी है ऐसा, जो हमारे तीसरे नंबर के डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनकी उनके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, तब उसके बाद उस टाइम हमारे वीवी गिरी थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको क्या किया गया, वाइस प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंट बना दिया गया उनकी अब्सेंस में। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये इसका हेड होता है। अब करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, जो 17वीं लोकसभा हुई है, अब 17वीं लोकसभा चल रही है, ये 2014 से है, जो 16वीं लोकसभा में थे उसके भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब 17वीं लोकसभा में भी प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी। तो कहने का मतलब है 17वीं लोकसभा चली हुई है अब, और इसके करंट में बताया मैंने नरेंद्र मोदी है पीएम। अब आती है इसकी इलेक्टेड की बात, ये कैसे होता है, मैंने बताया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड होता है, जितने भी मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, सब इसके, और अलग अलग डिपार्टमेंट है, किस तरह से कौन सा मिनिस्टर के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सब लिस्ट सारा काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है। ये जो प्रेसिडेंट होता है उसको भी एडवाइस का काम करता है किस तरह से क्या करना है सब कुछ। कहने का मतलब है जो प्रधानमंत्री होता है ये जो हमारी कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसका चीफ होता है, उसका मुखिया होता है, हेड होता है। अब इसकी बात आती है इलेक्टेड कैसे होता है, ये लोकसभा के मेंबर द्वारा अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूटी से जितनी सीट आती है उन सबको का रिव्यू लेके, कौन सी पार्टी की कितनी है उन सारों को एक बार रिव्यू करके किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, उसी बेसिस पे इसको इलेक्ट किया जाता है। अब मैंने ये एक वर्ड लिख रखा है कोलिशन, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। जो गठबंधन सरकार होती है, जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है, इसका मीन्स होता है टू पार्टी और इससे दो पार्टी या इससे ज़्यादा पार्टी, जैसे आपस में तभी तो पता लगेगा कि एक पार्टी जीतती है, कंपटीशन होता है, जैसे कांग्रेस, भाजपा, भाकपा, इस तरह से एक पार्टी हारी है दूसरी जीती है, इस तरह से तभी तो पता लगेगा। जैसे प्रेसिडेंट का तो क्या था, उसका कुछ क्राइटेरिया था, जैसे पीएम और मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो मिलके उसको अपॉइंट कर देते थे, उसको इलेक्ट कर देते थे, एमएलए के मेंबर भी उसमें इंक्लूड होते थे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो अलग अलग गांव, अलग अलग स्टेट से सीटें होती हमारी,
किस स्टेट में कितनी है, उसमें लोकसभा के मेंबर जाते हैं, उनको वोटिंग की जाती है, फिर देखा जाता है, रिव्यू लिया जाता है किस पार्टी की कितनी है, उसके बेसिस पे इसको इलेक्ट किया जाता है। अब लोकसभा की सीटें हैं 552, 1430 तो हमारे स्टेट में बटी हुई है, और जो 20 है वो यूटी में, और जो 2 है वो अलग से एंग्लो इंडियन के लिए है, जिसकी जिसको अपॉइंट करता है, कौन इलेक्ट करता है उसको, प्रेसिडेंट, जो हमारा राष्ट्रपति है वो इलेक्ट करता है, वो राइट प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद आता है इसके, ये तो हो गई इसके इलेक्टेड करने की बात, अब बात आती है जो ये प्राइम मिनिस्टर है इसके क्या काम है, फंक्शंस, और इसकी क्या क्या ड्यूटी है। जैसे मैंने बताया, ही प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये जो हमारे मेंबर होते सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद की, उनकी लिस्ट तैयार कर ले करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर को दिया जाएगा, किस तरह से वो सब ये काम करता है। उसके बाद ही सुपरवाइजिंग द वर्किंग ऑफ ऑल मिनिस्टर, इसमें बताया कि जो क्या सुपरवाइजिंग का काम करता है, ये जो भी मिनिस्टर होते हैं ना सारे, प्राइम मिनिस्टर ही उनको अपॉइंट करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में, वो सारे इसी के, इनके प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया जाएगा वो इन सबको सुपरवाइजिंग करता है प्राइम मिनिस्टर। ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार होती है उसका मुख्य प्रवक्ता, स्पोक्समैन मीन्स मुख्य प्रवक्ता, जो लीडर का काम करता है, एक कैसे क्या करना है, एक लीडर जो होता है उसके अकॉर्ड नीचे बेसिस पे तो चलती है, लीडर ही तो लीड करता है सबको कि किस तरह से क्या करनी है, गाइड करता है, वो सारा काम प्राइम मिनिस्टर करता है। स्पोक्समैन लिखा है मैंने, स्पीकर नहीं, लोकसभा में होता है स्पीकर, स्पोक्स चीफ स्पोक्समैन, जो जिसके अंडर सारी मिनिस्टर्स सब काम करते हैं। जैसे ही इज लीडर ऑफ द लोकसभा, जैसे मैंने भी बताया ये जो लोकसभा होती है उसका लीडर होता है। ही सर्व एज ए लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हमारे मंत्री परिषद होते हैं और राष्ट्रपति होता है उनके बीच लिंक सर्व करता है कि प्रेसिडेंट को क्या करना है, इनकी जो संसद में पार्लियामेंट में बैठक होती है उसमें काउंसिल जो मिनिस्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, पीएम भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपस में सलाह करते हैं। एक जो मैंने बताया था कि ये आपस में इसको जो प्रेसिडेंट है इनको इनके पद से हटा भी सकते हैं, तो कहने का मतलब है ये जो पीएम है वो जो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं मंत्री परिषद होते हैं इनके बीच लिंक का काम करता है, कैसे क्या करना है उसके लिए। ही आल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट, जैसे मैंने बताया ये जो राष्ट्रपति होता है उसको एडवाइस देने का भी काम करता है। उसके बाद अब आता है, ये तो हो गई प्राइम मिनिस्टर की बात, अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट देख लेना एक बार, सबसे पहले नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, इसी तरह से ये सीरीज चली हुई है, 17 प्रधानमंत्री बन चुके अब तक, इट मीन्स 17 लोकसभा का गठन हो चुका अब तक, 17 लोकसभा पे जो हमारे मिनिस्टर हैं पीएम इन्होंने काम कर रहे हैं, मतलब 16 का हो चुका, 17वीं अब करंट में चली हुई है। जैसा मैंने बताया इनके जो प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी है। अब टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हमारा मंत्री परिषद है, कहते हैं ना मोदी का मंत्रिमंडल, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर आता है, जो काम मंत्री परिषद में कैबिनेट मिनिस्टर आता है, स्टेट मिनिस्टर आता है, डिप्टी मिनिस्टर आता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अकॉर्ड जिनकी लिस्ट रेडी करता है जो पीएम होता है हमारा, वो किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, जैसे अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इसका हाईएस्ट रैंक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, अब 24 है, पीएम को मिला के 25 है, वैसे
24 है, 24 डिपार्टमेंट, सॉरी 24 कैबिनेट मिनिस्टर है जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। जो हमारा पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, इसके पास भी 3-4 डिपार्टमेंट है, जैसे परमाणु ऊर्जा का, पेंशन से रिलेटेड जो भी काम होंगे, पेंशन दी जाती जो गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट वर्कर होते हैं उनको, उनसे रिलेटेड, और जो हमारी अंतरिक्ष में जैसे कौन सा क्या काम करना है, किस तरह का, चंद्रयान 2 की तैयारी की गई थी ना, जैसे जो हमारी अंतरिक्ष का डिपार्टमेंट कहने का, वो सब पीएम के अंडर है। उसके बाद और डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी और होम मिनिस्टर अमित शाह, इसी तरह रोड एंड रोड मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, इस तरह से जो हेल्थ केयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, इस तरह से कुल मिला के 24 पीएम को मिला के 25 कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट मिनिस्टर, जो स्टेट लेवल पे हो, एक राज्य स्तर पर जो मंत्री होते हैं, जैसे सीएम होते हैं, उनका क्या काम है, कैसे है, जो हमारी मंत्री परिषद है वो उसमें आते हैं सीएम, जो हमारे 28 स्टेट है उनमें अलग अलग सीएम है, वो सब इसमें आ जाते हैं। अब जो ये डिप्टी मिनिस्टर होता है ना, जो उप प्रधानमंत्री, जो डिप्टी मिनिस्टर्स होता है, ये इन दोनों की हेल्प करता है, कैबिनेट मिनिस्टर की भी और स्टेट मिनिस्टर, कहने का इन दोनों के लिंक, इन दोनों के बीच में काम करता है, इसके लिए भी हेल्प करता है और कैबिनेट मिनिस्टर के लिए।